Good morning children. How are you all? Hope well, and so do I. Your EVS teacher Bhavana Desa is with you once again with lesson. So, last session we saw that children are sitting and they are discussing that what they what they ate yesterday. Now we will go further in that lesson only. BG return the bread the topic is bg return the bread amans bg went to the market to buy bread there were many people in the shop the shopkeeper took one packet of bread and gave it to bg she looked at it and returned it to shopkeeper do you know why अमन है उसकी बीजी बीजी मतलब दादी जी मार्केट में ब्रेड लेने गए थे तो जहाँ उनको ब्रेड लेना था वहाँ बहुत क्राउडेड एरिया था वहाँ पे बहुत सारे लोग थे शॉप कीपर ने जैसे ही बीजी ने कहा कि मुझे ब्रेड का पैकेट चाहिए तो शॉप कीपर ने एक ब्रेड का पैकेट उठा के बीजी को दे दिया बीजी ने हाथ में पैकेट लिया फिर उसको टर्न करके देखा और इमीजिएटली उन्होंने शॉपकीपर को वो वापस कर दिया क्यों किया बीजी रिटर्न एट वंस द ब्रेड बिकॉज इट्स एक्सपायरी डेट वुड हैव पास द एक्सपायरी डेट ऑफ अ ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स इज यूजुअली मेंशन ऑन इट हम कभी भी मार्केट में फूड ग्रेन्स या फूड फूड uh, आइटम्स कुछ भी लेने जाते हैं तो आपने यूजुअली मार्क किया होगा कि उसके ऊपर ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब वो कब बना है एक्सपायरी डेट वो कब उसको हमको कहाँ तक यूज़ करना है फिर उसका रेट लिखा होगा और कितना वजन है ये लिखा होता है ये सब फूड पैकेट पे लिखा होता है और वेनवर यू आर गोइंग टू टू मार्केट टू बाई फूड आइटम आप जब भी फूड आइटम बाई करने के लिए जाते हैं तो पहले हमको ये सब चेक करना बहुत ही ज़रूरी है इफ़ यू हैव नोटिस और wherever एवर यू आर गोइंग इन मार्केट टू food फूड प्रोडक्ट्स फर्स्ट चेक date, डेट बेस्ट बिफोर डैशम्स एंड एक्सपायरी डेट ऑलवेज़ मैंने आपको अभी बताया कि जब हम फूड पैकेट उठा उठाते हैं तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब वो कब बना होता है और कितने महीने में या कितने दिन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं आफ्टर दैट इट विल बी एक्सपायर मतलब वो ख़राब हो जाएगा तो हमें ये भी चेक करना चाहिए और उसका कंटेंट कितने ग्राम का है कितने किलो का है ये भी चेक करना चाहिए एंड विद डैट प्राइस टैग वो कितने रुपए का है How does food get spoiled? For this, we will conduct one experiment. Take a piece of bread or roti, sprinkle a few drops of water on it, and put it in a box. Close the box, see the bread or roti every day until you find. some changes on it make this table on a chart paper and put it put it up fill up the chart every day after discussing the changes seen food kaise kharab ho jata hai iske liye hum ek experiment karte hain हम एक, 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 एक ब्रेड का पीस या रोटी का पीस लेते हैं उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं और फिर एक बॉक्स में उसको रख के बॉक्स को बंद कर देते हैं फिर आप एक चार्ट बनाइए और उसमें कॉलम्स लिखिए डे डे बाय टच बाय स्मेल बाय लुकिंग थ्रू लेंस एंड बाय कलर हमको ये ऑब्जर्वेशन करना है जो हमने रोटी या ब्रेड का पीस रखा है कि वन फर्स्ट डे क्या होता है सेकेंड डे क्या होता है थर्ड डे उसमें क्या चेंजेस आते हैं और वो कैसे खराब होता है वो हमें पता चलता है तो द डे वन पीस द ब्रेड पीस और रोटी पीस इज सॉफ्ट बट थोड़ा सा स्मेल आ रहा होता है हैंड लेंस के नीचे अगर हम उसको देखेंगे तो नॉर्मली दिखता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है और उसका कलर भी चेंज नहीं होता है सेकेंड डे को भी सॉफ्ट होता है थोड़ा सा स्मेल बढ़ जाता है मगर हैंडलस के नीचे देखेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें आपको कलर या कुछ थोड़ा सा चेंज दिखता है और वो नॉर्मल ब्रेड की तरह नहीं होता है थर्ड डे इफ विल गो थोड़ा सा ब्रेड मॉइस्ट मतलब पानी वाला लगेगा आपको और सॉफ्ट है थोड़ी स्मेल ज़्यादा बढ़ गई है तो वेलवेट जैसा एक वाइट लेयर ब्रेड के ऊपर एक लेयर एक परत वेल्वेट जैसी बन गई है और ब्रेड हमारा जो थोड़ा ब्राउनिश कलर का था अब वो थर्ड डे को थोड़ा वाइट कलर पे आने लगा है फोर्थ डे मॉइस्टी है थोड़ी पानी वाली ब्रेड है मगर सॉफ्ट है मगर स्मेल ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ी खराब स्मेल आ रही है अब जो हमको थर्ड डे में जो वाइट लेयर था अब वो चेंज हो के ग्रीनिश वाइट थोड़ा ग्रीन कलर का भी उस पर लेयर फोर्थ डे को आ गया है और ब्रेड आपको जब आप देखेंगे तो थोड़ा ग्रीनिश वाइट उसके ऊपर एक लेयर दिखेगी फिफ्थ डे मॉइस सॉफ्ट आपको ब्रेड मॉइस uh, लगेगा पानी वाला लगेगा मगर सॉफ्ट है मगर स्मेल बहुत ही खराब आ रही है अगर लेंस के नीचे देखेंगे तो एक ग्रीन कलर्ड स्मॉल ग्रास लाइक थिंग हैज ग्रोन ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर की छोटी छोटी घास जैसी फंगस उगाती है और फिफ्थ डे वो ब्रेड का कलर जो पहले नॉर्मल वाइट था ग्रीनिश व्हाइट हुआ अब ग्रीन हो गया है सिक्स डे ब्रेड मॉइस्टी रहेगी गीली ही रहेगी सॉफ्ट होगी मगर उसमें से स्मेल बहुत ही खराब आती है आपको पता है ना कभी आपका अगर कुछ खाना खराब हो जाता है तो उसमें से कैसी बैड स्मेल आती है सेम वे ब्रेड में से स्मेल आने लगती है एंड द लुक कैसा हो जाएगा ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड एंड स्मॉल ग्रास ब्रेड के ऊपर ग्रीनिश ब्लैक ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है वैसी एक लेयर आ जाएगी और छोटा छोटा सा घास जैसा दिखेगा एक्चुअली इट इज नॉट अ ग्रास वो फंगस होता है एंड द कलर ऑफ द ब्रेड विल बी ग्रीनिश ब्लैक पूरा ऊपर का जो लेयर पहले वाइट था नॉर्मल था फिर स्लाइटली वाइट हुआ फिर ग्रीनिश वाइट हुआ फिर ग्रीन हुआ और सिक्स डे में वो ग्रे वो ब्रेड का कलर क्या हो जाता है ग्रीनिश ब्लैक दिस चेंज इज ड्यू टू द रॉटन ऑफ द ब्रेड ये चेंज क्यों हुआ क्योंकि ब्रेड खराब हो गई है द स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर विच बिगेन टू ग्रो वैन दे गेट अ कंडक्टिव कंडीशन एयर में फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेड पे ग्रो करना शुरू कर दिया है डिफरेंट काइंड ऑफ़ फ़ूड आइटम स्पॉय ड्यू टू डिफरेंट रीज़न अलग अलग काइंड के फूड ऐसा नहीं है कि सभी फूड एक ही टाइप में खराब होते हैं उसका रीज़न भी अलग होता है और अलग अलग टाइम पे वो खराब होते हैं सम फूड स्पॉय सून सम स्टे फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज फूड स्पॉय क्विकली इन द रेनी एंड समर सीजन बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जो विद इन वन और टू डे खराब हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी फूड आइटम होते हैं जो फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज या वन मंथ में भी खराब नहीं होते और उसमें क्लाइमेट भी बहुत बड़ा असर करता है अगर रेनी सीजन और समर सीजन है तो उसमें फूड खराब होने के चांसेस फुल होते हैं फूड इज लेफ्ट ओपन मिल्क इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली ग्रीन वेजिटेबल फूड खराब क्यों होता है वाई वाईट स्पॉइल क्योंकि हम कभी कभी फूड को खुला छोड़ देते हैं मिल्क को प्रॉपरली बॉइल नहीं करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स को कूल cool प्लेस में फ्रिज में अच्छे से कवर करके नहीं रखते हैं इसीलिए हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है सो चिल्ड्रन यर आई एम एंडिंग माई लेसन होप यू हैव अंडरस्टूड नेक्स्ट सेशन वी विल मीट अगेन और उसमें हम एक स्टोरी सुनेंगे तमेदी तंद्रा वो चिट्टी बाबू और चिन्नी बाबू की स्टोरी है दैट वी विल सी टिल देन बाय बाय सी यू